भाई स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस आज हम फिर से आज शाम को 6 बजे लेकर आ चुके हैं इन सभी क्वेश्चंस का सलूशन जो मॉर्निंग में आपको दिए थे। तो सबसे पहले जो रेगुलर स्टूडेंट है उन सभी को गुड इवनिंग, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी। गाइस अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना प्रेजेंस सर, और जो न्यू स्टूडेंट है वो न्यू स्टूडेंट प्रेजेंस सर लिखना। और न्यू स्टूडेंट बता दूँ आपके लिए कि मैं डेली आपको सुबह में 6 क्वेश्चन देता हूँ, शाम को उन्हीं 6 क्वेश्चन का सलूशन कराता हूँ। ये 70 दिनों तक करूँगा। 70 दिनों के बाद आपके पास 420 क्वेश्चन का एक बेहतरीन पैकेज हो जाएगा। अगर आप 70 दिनों तक इसे कर लेते हो तो आपका 420 क्वेश्चन का बेहतरीन पैकेज हो जाएगा, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो 26 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे इन्हीं क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। मैं अभी तक 63 क्वेश्चन दे चुका हूँ, परेशान मत होना अगर आज ज्वाइन करते हो तो। डेली अभी से देख लेना, बाकी सभी क्वेश्चन को कर लेना। इसे अब मैं कभी न कभी करा दूंगा एक्स्ट्रा क्लास लेकर, या फिर वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, डेली की डेली एक एक्स्ट्रा वीडियो को देखिए, जल्दी आपका भी कवर हो जाएगा। तो पहले आप हमारे साथ चलिए, उसके बाद अगर टाइम मिले तो डेली की डेली एक एक वीडियो को देखना। 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है, आप सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा अच्छे तरीके से। लेकिन कल से आप मेरे साथ चलिए। चलिए आइए क्वेश्चन का सलूशन करा देते हैं जो आज सुबह दिए थे आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए। विरंजक चूर्ण क्या होता है आपको मालूम है, इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले CaOCl2, इसका ये फार्मूला होता है, ये आपका अणुसूत्र होता है। किसका? विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या है? CaOCl2। इसकी अगर अणु भार की बात करें तो 127 होता है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना। अब हम इसके बनाने की विधि बताते हैं। देखिए बनाने की विधि में सबसे पहले इसे क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना CaOH2 लेते हैं, ठीक है। इसका क्रिया कराते हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। बुझा हुआ चूना है, क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है, क्रिया करके क्या बनाएगा, CaOCl2। ये आपका विरंजक चूर्ण बनाएगा, साथ में H2O गैस बाहर, H2O जल बाहर निकालेगा, H2O बाहर निकालेगा। ये होता है रिएक्शन विरंजक चूर्ण बनाने का। साथ में इसे बनाने के लिए हेजन क्लियर विधि या बैचमैन विधि का यूज करते हैं। हेजन क्लियर विधि या बैचमैन विधि, इसके बारे में हम पी ब्लॉक के तत्व में बहुत अच्छे से बताएंगे। 7 बजे क्लास होती है, डेली देखना, शायद अभी तक आपका आ गया होगा वहाँ पर, या फिर पीछे होगा तो जल्दी 2-3 दिनों के अंदर आपको हेजन क्लियर विधि बैचमैन विधि समझा देंगे। अगर आप डेली की डेली वीडियो देखोगे ये और पी ब्लॉक वाला, तो आपकी बेहतरीन तैयारी होगा। मैं आपको बता दूं जल्दी आपकी फिजिक्स की क्लासेज भी शुरू होने वाली है। इसी तरीके से 6 क्वेश्चन फिजिक्स में भी डेली मिलेगा और उसका सलूशन भी कराया जाएगा। मैथ की क्लासेज आपकी भी जल्दी शुरू होगी, और मैथ के क्वेश्चन दिए देने जाए शुरू हो चुका होगा। अनेक सर हैं वो दे रहे हैं क्वेश्चंस को, तो उनको भी देखा कीजिएगा, उनके मैथ्स के प्रश्न को, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो। रही बायो की बात, बायो का भी प्लान कर रहे हैं, बायो का भी हम क्वेश्चन देंगे आपको अच्छे तरीके से, लेकिन क्वेश्चन का सलूशन नहीं कराएंगे, बस केवल क्वेश्चन देंगे 6 के 6। आप टेंशन मत लेना, अगर आप लोग साथ दोगे तो क्वेश्चन का सलूशन भी करा दूंगा, अगर साथ नहीं दोगे तो बस केवल और केवल क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। मैं नहीं दूंगा, कोई और देगा, कोशिश करेगा वो क्वेश्चन बना देंगे, मैं ही आकर आपको दे दूंगा, ठीक है। ये होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब HCl का यानी HCO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम बाइसल्फेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से, ठीक है, क्रिया कराते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराते हैं HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। आइए देख लेते हैं रिएक्शन लिखकर। पहले क्वेश्चन को हम लोग इराइज करते हैं, यानी 57 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर सबसे पहले HCl लेंगे, ये आपका HCl हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट लिख देंगे यहाँ पर, यानी HCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये HCl के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। फिर से समझना, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गैस निकालता है। फिर से एक बार, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। ये स्टेटमेंट याद रखना, यहाँ से आप क्या बाहर निकालोगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या बचेगा उसे आप लोग लिख डालिएगा। सबसे पहले बचेगा आपका Na और Cl। मैं आपको बताया था पहले कि अगर कहीं पे Na और Cl दोनों मिले एक रिएक्शन तो आपका क्रिया कर लेता है, NaCl बन जाएगा। अब आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल चुका है तो बचेगा H2O। ये स्टेटमेंट याद रखना कि सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके HCl
क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट से भी क्रिया करके HCl सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है। दो रिएक्शन तैयार करना, सोडियम बाइकार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, दोनों से क्रिया करके सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। देखिए हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण पी ब्लॉक में आपको हम बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ और वहाँ पर फिगर भी बताया था। यहाँ पर आपको रिएक्शन बता दूंगा और रिएक्शन याद करा दूंगा। अगर आपको फिगर सही समझना है तो वहाँ से जाके समझ लेना अच्छा रहेगा आपके लिए। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए आप क्या लोगे, हाइड्रोजन लोगे और नाइट्रोजन लोगे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लोगे, एक संबंधित तीन के अनुपात में लोगे, यानी एक नाइट्रोजन, सॉरी फिर से एक बार यहाँ पर इस तरह से लिखना, आप नाइट्रोजन लोगे और हाइड्रोजन लोगे, ठीक है, एक संबंधित तीन के अनुपात में लोगे, मतलब एक नाइट्रोजन तो तीन हाइड्रोजन लोगे, यहाँ पर तीन से गुणा करेंगे, ठीक है, दो नाइट्रोजन तो छह हाइड्रोजन लोगे, यानी एक संबंधित तीन के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लोगे, क्रिया कराओगे। एक उत्प्रेरक होता है यफी, लोहा उत्प्रेरक होता है लेकिन यमो मतलब मालीफेनम, मालीफेनम का मतलब क्या होता है, ये लोहा उत्प्रेरक होता है और ये वर्धक होता है। आप लोग उत्प्रेरक के बारे में पढ़े होंगे, उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं। फिर से समझना, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ठीक है। वर्धक क्या होते हैं, वर्धक ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक की गति को बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर यमो क्या है, आपका एक वर्धक है, यफी क्या है, उत्प्रेरक है, क्रिया करेगा आपस में, क्या बना देगा यहाँ पर, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा यहाँ पर, NH3 अमोनिया बनाएगा, 2NH3। साथ में यहाँ पर कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, कितना ऊर्जा बाहर निकलती है, 22.4 किलो कैलोरी होगा या कैलोरी होगा, देख लेना आप लोग, ये से क्रिया होती है, ठीक है। ये क्रिया किससे होती है, एक संबंधित तीन के अनुपात में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को लेकर लोहे यानी यफी के उत्प्रेरक की उपस्थिति में या मोवर्धक की उपस्थिति में गर्म करने पर अमोनिया और 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन था और इंपॉर्टेंट क्रिया थी, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 या क्वेश्चन नंबर 4, नए स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 4, पुराने स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन 60, यानी जो स्टूडेंट मेहनत किए हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 60 है, जो स्टूडेंट मेहनत नहीं किए हैं पिछले सप्ताह में उनके लिए क्वेश्चन नंबर 4। एक भी क्लास आप लोग को छोड़ना नहीं है। देखना यहाँ पर जल और एथिल अल्कोहल का विलयन है, पहले जल का अणु सूत्र लिखते हैं, जल का मतलब H2O, एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH, ठीक है। इनका विलयन है जिसमें 46% भार अनुसार एथिल अल्कोहल है, मतलब 46% आपका C2H5OH है, मतलब एथिल अल्कोहल है, तो बचा हुआ 54% आपका क्या होगा, जल होगा। दो ही चीज़ है ना, एथिल अल्कोहल, जल एथिल अल्कोहल, ठीक है, ये दो चीज़ है। 46% अगर एथिल अल्कोहल है तो 54% क्या होगा, जल होगा। ये भारानुसार है, मतलब 46 ग्राम लिख सकते हैं, 46 ग्राम है ये, 46 ग्राम है और ये भी ग्राम है, ठीक है। दोनों अगर आप यहाँ पर किलोग्राम इसको ले रहे हो तो इसको भी किलोग्राम लोगे, इसको ग्राम ले रहे हो तो इसको भी ग्राम लोगे, क्योंकि ये दोनों परसेंटेज में है। आपको क्या ज्ञात करना है, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। आपको मालूम है मोल प्रभाज निकालने के लिए, अगर मान लो यक से एथिल अल्कोहल निकालना है, यक C2H5OH निकालना है, तो क्या करोगे, NC2H क्या लिखोगे ऊपर, NC2H5OH बटे NC2H5OH प्लस NH2O, इस तरह से लिखोगे, मतलब C2H5OH का मोल बटे C2H5OH का मोल, मतलब एथिल अल्कोहल का मोल प्लस जल का मोल, इस तरह से निकालते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको जल का निकालना होगा, क्या करोगे यहाँ पर, जल का मोल NH2O का मोल बटे NH2O प्लस NC2H5OH, ठीक है, समझना। अगर आपका जल का निकालना हुआ तो जल का मोल प्लस एथिल अल्कोहल का मोल,
मतलब फंडा क्या है, आपको यहाँ पे मोल निकालना है। और मोल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था याद करना, ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार बटे अणुभार। क्या करते हैं यहाँ पर, अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार निकालने के लिए देखिए, जल का अणुभार निकालोगे, आपको मालूम होगा हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर रखोगे तो 18 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर कार्बन का कितना होता है, यहाँ पर लिख लेना 12 होता है। तो यहाँ पर रखोगे कार्बन पे, कार्बन का मान यहाँ पे रखोगे तो उसका मान अणुभार कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसका अणुभार 46, इसका अणुभार 18 है। अब मोल ज्ञात करते हैं, इसका मोल ज्ञात करेंगे, 46 ग्राम है और 46 अणुभार है, तो 46 बटे 46 मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पर समझना, 18 अणुभार है और 54 ग्राम है, ठीक है, 54 बटे 18 क्या हो जाएगा, 18 54, ये आपका 3 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपका एक्स मतलब मोल प्रभाव निकालना है, किसका, C2H5OH का। एक्स C2H5OH का मोल प्रभाव निकालने के लिए आप इसका मोल लिखोगे कितना है, 1 है, ऊपर नीचे कितना इसका है, 1 है प्लस 3 मतलब 1/4 इसका निकालोगे क्या होगा, इसका कितना है ऊपर 3 है, नीचे 3 होगा प्लस 1 इसका मतलब 3/4 1/4 और 3/4 ये 2 मोल हो गए, 2 अणु हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 60 का सलूशन है। क्वेश्चन नंबर 61 भी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 62 भी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मोललता आपको बताया था, मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 63 बताने जा रहा हूं, देखना। क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखना, मैं देखूंगा कितने लोग लिख रहे हैं, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग तो देखने के लिए आते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, आप लोग देखते हो तब पर भी सही है, देखोगे तब पर भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन 100% अगर बेनिफिट चाहते हो तो लिखा भी करो, अगर आप देखोगे तब पर भी, नहीं देखने से अच्छा देखा करो, देखोगे तो कुछ तो फायदा होगा, अगर नहीं देख रहे हो तो कुछ नहीं फायदा हो रहा, देखोगे तो कुछ फायदा होगा, अगर साथ में लिख भी ले रहे हो तो 100% फायदा होगा, ठीक है। ये 61 और 62 क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप खुद से करना है इसको। 63 नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन में वही चीज़ है जो इसमें किए हो, उस ये इस वाले क्वेश्चन में किए हो, वही यहाँ पर करना है। 62 नंबर क्वेश्चन में मोललता निकालने आपको बहुत पहले बताया था, इसलिए मैं यहाँ पर दिया हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, लघु परासी, दीर्घ परासी, अनिश्चित परासी, उपरोक्त सभी। तो क्रिस्टलीय ठोस आपका दीर्घ परासी होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों होता है, मैं आपको यदि क्रिस्टलीय ठोस के बारे में लेकर आऊँगा वीडियो इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, या फिर 7 बजे वाले में जो आपका थियरी क्लास चल रही है उसमें, तो मैं आपको अच्छे तरह से बता दूंगा। आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखे हो आप लोग, ये सभी चीज़ मैं नहीं आपका बोर्ड पूछता है, इसलिए मैं पूछकर यहाँ पर आपको बता दिया। सबसे पहले ये बोर्ड में अच्छे मार्क लाने के लिए बहुत ही रामबाण सीरीज है, आप डेली का डेली फॉलो कीजिए, अपने नंबर को बोर्ड में बढ़ाइए। मेरी यही शुभकामना है कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपको नंबर मिले। डेली के डेली वीडियो में प्रेजेंट रहा करो, प्रेजेंट सर लिखा करो, ताकि मुझे भी पता चले कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हो रहे हैं। लास्ट में सभी स्टूडेंट का मैं रोल नंबर लूंगा और उनका खुद ही खुद उनका नंबर दूंगा, देखूंगा कि केमिस्ट्री में कितना आ रहा है। रह गई भी बात की अन्य सब्जेक्ट की, तो अन्य की सब्जेक्ट की भी क्लासेज जल्दी शुरू होंगी। फिजिक्स की क्लासेज 2 से 4 दिन लग रहे हैं, मतलब 2 से 4 दिन का मतलब नवंबर से पहले फिजिक्स क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मैथ्स की क्लासेस धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, सोल्यूशन भी दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लासेज होंगी। बायो क्लासेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी दिया जाएगा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए, बाकी सभी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब मैं आपकी तैयारी करा दूंगा, अभी आपका 2020 में ही आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और तैयारी कराई जाएगी, इसका टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।